नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान ने गुफा में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो यूपी के सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में योगी ने विधिवत पूजा की और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने काल भैरव की भी पूजा की। पूजा अर्चना के बाद योगी ने कहा, बाबा विश्वनाथ और काल भैरव की पीएम पर कृपा है, क्योंकि आज काशी जिस भव्य रूप में है वह बाबा विश्वनाथ के कृपा पात्र पीएम मोदी की वजह से ही है। इसीलिए बाबा की कृपा सदैव उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व पूरे भारतवासियों को निरंतर प्राप्त होता रहे, यह प्रार्थना हमने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव से की है। पंजाब में जो कुछ हुआ है वह भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाता है। जब देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य संवैधानिक संस्था और आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए कांग्रेस की पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे देश से माफी मांगने को कहा था। योगी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में हुआ है वह पंजाब में व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।